हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा के बैंगन। बैंगन बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, ये 10 से 15 कलियां लहसुन की ले ली हैं, 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है, 2 प्याज ले ली, 3 आलू ले ली हैं, 6-7 बैंगन ले लिए हैं। आइए अब प्याज काटते हैं। इसे काट कर मिक्सी से पीस लेंगे। बारीक बारीक काट लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, जिसमें आसानी से जल्दी से पिस जाए। प्याज हमने काट ली है और अब हम लहसुन अदरक ऊपर काटेंगे प्याज के, जिससे आसानी से पिस जाए। क्या हमारा लहसुन कट के तैयार हो गया है, अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सी से। जी हमने बगार लगाने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, हमारी कढ़ाई गर्म हो रही। अब हम इसमें तेल डालेंगे, हम सरसों के तेल से बना रहे हैं, सरसों के तेल से टेस्ट अच्छा आता है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें लहसुन डालेंगे और तेज पत्ता डाल देंगे। प्याज डाल ली, प्याज डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। जब तक हमारी प्याज पक रही है, इसमें मसाला ऐड कर लेंगे, भून के रख लेंगे। छोटे चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, छोटे चम्मच से 1 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। आधी चम्मच गरम पाउडर डालेंगे। पानी डाल के हमने इसमें घोल दिया है, प्याज भून लेंगे, फिर इसमें हमारी प्याज हो चुकी है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, तो मसाला मिला कर तैयार कर लिया है, इसे अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको डाल देंगे कलर के लिए, कलर आ जाएगा हमारी अपनी सब्जी में अच्छा। आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, अच्छे से पका लेंगे।
मसाला पककर तैयार हो गया है, अच्छे से पक गया है। और गैस को बंद कर देंगे, अच्छे से पककर तैयार हो गया है हमारा मसाला, बंद कर देंगे। अब जो मसाला पककर तैयार हो गया है, अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे, बाद में बैगन भर लेंगे इस मसाले से। हम अब जब तक हम अपने बैगन फाड़ के रख लेंगे, बैगन फाड़ेंगे भरने के लिए, क्या है छुरी से अच्छे से नहीं फाड़ते, बनने लगते, इसलिए हमने हंसिया से फाड़ रहे हैं। आप चाहो तो छुरी से भी फाड़ सकते हैं, अगर आपसे अच्छे से बन जाए तो, लेकिन हम तो हंसिया से फाड़ते, छुरी से अच्छे से नहीं बनते। सारे बैगन फाड़ के तैयार कर लेंगे ना। अब जी आलू रखे थे पन्न छील कर, ऐसे भी थोड़ा बड़ा बड़ा करके ऐसे काट के डाल देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा। इस साइज के आप काट सकते हैं। अब जो बैगन फाड़ के रख लिए थे, बैगन मसाला भर लेंगे, अच्छे से भरेंगे, ऐसे चम्मच से ऐसे करते जाएंगे, अच्छे से भर देंगे। आराम आराम से भरिए, मसाला भी गरम है अभी। एक एक करके सारे बैगन ऐसे भर लेंगे, मसाला अच्छे से भर लेंगे, अंदर की भी अंदर तक चला जाए, एक एक करके सारे ऐसे भर के तैयार कर लेंगे। ये हमने बैगन भर के तैयार कर लिए हैं, सारा बैगन में मसाला भर लिया है। अब इसे थोड़ा चलाएंगे, और जो भरा था मसाला, जो मसाला बचा था बैगन से, तो वो भी उसी में डाल दिया। चला लेंगे थोड़ी, हमने दो ढाई मिनट अच्छे से हमने इसे पका लिया। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डालकर किनारे से डालिए पानी, जो मसाला ना निकले बैगन का। अब आराम से चलाएंगे इसे, अब ढककर अच्छे से पकने देंगे, दो तीन मिनट बाद देखेंगे इसे। अब दो तीन मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा बैगन कितना पका है। ये आराम से लौटाएंगे, अभी हमारा बैगन पूरा नहीं पका है, अभी फिर से भर के पकाएंगे, पाँच मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। और चूल्हे की फ्लेम खुल लो रखेंगे अच्छे से, जिसमें अंदर तक मसाला चला जाए। अब पाँच मिनट बाद खोल के देखेंगे इसको, कितना पक गया हमारा बैगन। हमारा बैगन लगभग तैयार हो गया, इसे थोड़ा और चलाएंगे, देखिए कितना अच्छा बना है बैगन, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे बैगन पककर तैयार हो गए हैं, और हम गैस की लो बंद कर देंगे। हमारा बैगन पककर तैयार हो गया, देख लीजिए जब बन के तैयार है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद।